हेलो, वेलकम टू आवर चैनल वी कैन। हाउ आर यू ऑल? आई एम जानी खान। टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 11 ऑफ क्लास 5th ऑफ जनरल नॉलेज, दैट इज फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स। बीन्स बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो जिसमें इंसान काम करता है, उन सब में जो उनके फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स यानी कौन पायनियर था, किसने इस चीज़ की शुरुआत करी थी, वी विल डिस्कस अबाउट देयर नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वी विल मैच फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स के पहले यहाँ पे कुछ फोटोज दे रखे हैं और सम ऑफ द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो फर्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय। एंड राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इन मेकिंग सोशल, एजुकेटिव एंड पॉलिटिकल चेंजेस। मीन्स राजा राम मोहन रॉय जो थे इंग्लिश पीरियड में, बहुत इन्होंने जो है इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना, एजुकेटिव बनाना और पॉलिटिकल चेंजेस जो थे उसके लिए बहुत सारे काम किए थे। यू कैन सी इन द फिगर ऑफ एफ फिगर में जो पिक्चर दे रखी है, दैट इज़ राजा राम मोहन राय। ओके, और इन्होंने बहुत एज ए फ्रीडम फाइटर भी इनका बहुत रोल रहा, और इन्होंने जो अपने कस्टम थे इंडियन कस्टम, जो सती प्रथा, वर्धा प्रथा, इन सब के अगेंस्ट भी बहुत जो है वॉइस रेजअप करी थी। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड इज होमी जहांगीर भाभा। यू कैन सी हिम इन द फिगर ए फिगर में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ होमी जहांगीर भाभा, पॉपुलरली नोन एज भाभा, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। यानी कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसके फादर कहे जाते हैं। ये सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की थी, और हमारा जो सेंटर है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पर, न्यूक्लियर सेंटर होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर सेंटर इन्हीं के नाम पर हमने रखा, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, है ना। एंड द थर्ड इज़ अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अबुल कलाम। यू कैन सी द फिगर डी। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन। यानी कि किसके फादर कहे जाते हैं, ये फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के। पहली बार जो इंडियन मिसाइल्स जो इन्वेंट हुई थी वो इन्होंने करी थी सक्सेसफुल्ली, इसलिए इनका व्हाट इज़ हिज नेम मिसाइल मैन, है ना। फोर्थ इज़ डॉक्टर हीरा लाल चौधरी। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फिश। एंड यू कैन सी द फिगर एच फिगर में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, है ना। ब्लू रेवोल्यूशन एज यू नो, ब्लू कलर से ही हमको थोड़ा सा बहुत हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, वी कैन कनेक्ट फ्रॉम ब्लू कलर कि एक्वेटेरियन लाइफ से रिलेटेड चीज़ है कोई, तो ये एक्वेटेरियन लाइफ बेटा जो वो पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु होते हैं उससे बिलोंग करती है। तो उसमें उन्होंने किया था कि किस तरीके से फिशेज या एक्वेटेरियन लाइफ के और भी जो भी वो हैं उनको कैसे इंक्रीज किया जाता है, उनका कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा रोल था, है ना। ब्लू रेवोल्यूशन कहते हैं उसे। रेवोल्यूशन आना मतलब बहुत डिजास्टर चेंज आ जाना, है ना। फिफ्थ इज वर्गीज कुरियन। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द कलर वाइट मीन्स मिल्क मैन ऑफ इंडिया। वॉच हिज निक नेम मिल्क मैन ऑफ इंडिया, बाई डेवलपिंग टेक्निक्स फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड यू कैन सी द फिगर जे।
जी फिगर में जो आपको दिखाई दे रही पिक्चर, ही इज़ वर्गीज कुरियन, और उनको किसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन किसको बिलोंग करता है बेटा, मिल्क को, और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट को। इन्होंने मतलब नई नई ऐसी टेक्निक बनाई कि किस तरीके से ज़्यादा जो है क्वांटिटी में मिल्क को प्रोड्यूस किया जाए, या और फिर मिल्क से जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना। इसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, दैट वाई ही इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ओके, सिक्स इज भीमराव राम जी अम्बेडकर इज़ कंसिडर एज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया एंड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू कैन सी इन द फिगर सी, फिगर सी में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ही इज़ भीमराव अंबेडकर एंड ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको भी पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान लिखा था, पूरी रूपरेखा, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे आर्टिकल्स, सब सेक्शंस वगैरह, एंड ही प्लान्ड एंड ही रोट दैट थिंग्स। ओके, सेवन्थ इज विक्रम अम्बालाल साराभाई इज वाइल्डली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। यू कैन सी हिम इन द पिक्चर फिगर ई। फिगर ई में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही, ही इज विक्रम अम्बालाल साराभाई। वो स्पेस प्रोग्राम जो बनाया था उसके लिए, जो भी हमारे सैटेलाइट वगैरह जो डेवलप किया था, वो इनके नाम पर ही है। और इनके नाम पर भी हमारा एक स्पेस वो जो है स्टेशन है, हमारा स्पेस स्टेशन जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, दैट इज़ विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन। ओके, एंड एट्थ इज़ धनराज गोविंद फाल्के, पॉपुलरली नोन एज दादा साहब फाल्के, इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। यू कैन सी द फिगर बी। बी फिगर में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ही इज़ दादा साहब फाल्के एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। यानी इंडियन सिनेमा, बॉलीवुड जो स्टार्ट हुआ था, कैसे आप जानते कि पहले जो फर्स्ट मूवी थी वो विदाउट साउंड थी, विदाउट कलर थी, तो वो वहाँ से कैसे शुरुआत हुई थी। फिर आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है मूवीज़ में, इतनी सारी एडिटिंग करना और इतने सारे वो यूज़ करना पिक्चर में, ये सब इतना डेवलपमेंट हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, दादा साहब फाल्के ने किया था, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नाइन्थ इज़ मानकोम्बू सांबाविजन स्वामीनाथन, या एम एस स्वामीनाथन, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, डेवलप्ड हाई यील्ड वराइटीज ऑफ वीट एंड राइस। यू कैन सी इन द फिगर आई। फिगर आई में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही, ही इज एम एस स्वामीनाथन, एंड वॉट डिड ही डू, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को, ऑफ कोर्स फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो ग्रीन से हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि शायद किसी क्रॉप कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो वो विच क्रॉप्स, वीट एंड राइस, तो इनको कौन से कहते हैं, एच वाई एस कहते हैं, हाई यील्ड सीड्स। इसमें क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, और इससे जो प्रोडक्शन होता है, जो क्रॉप प्रोड्यूस होती है, वो भी बहुत हाई क्वालिटी की, उसका कलर बहुत फाइन, क्वालिटी बहुत अच्छी, तो ये इन्होंने डेवलप किया था, इसलिए दैट्स व्हाई ही कॉल द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, एंड सॉरी, टेंथ इज़ जहांगीर रतन जी दादा भोए, पॉपुलरली नोन एज JRD टाटा, इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। इंडियन सिविल एविएशन का फादर किसको कहा जाता है, JRD टाटा। आपको पता है कि टाटा जो कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कई सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने डेवलप करी इंडिया में, कई तरह के फील्ड में उनका प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ वाई इज़ कॉल्ड द इंडियन फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।